हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी। आज के लेक्चर में विजन का PT 365 जो इकोनॉमिक पार्ट है उसका हम लोग पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक रिकवरी से। इकोनॉमिक रिकवरी का क्या प्रोसीजर होता है, इससे रिलेटेड जो भी करंट इश्यू है, ऑल दिस थिंग्स वी विल डिस्कस इन टुडे लेक्चर। द फर्स्ट टर्म इज वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी क्या होता है? तो देखो क्या हुआ है कि इकोनॉमिक आउटलुक जो है, ये रिपोर्ट कई बार पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है। इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को पब्लिश किया है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ये कह रही है कि 2020 के कॉन्ट्रैक्ट के अराउंड जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है दैट इज 6%। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो जो भी GDP का डेटा रिलीज किया गया है नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, अब पूछा जा सकता है GDP का डेटा कौन रिलीज करता है, तो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस रिलीज करते हैं और जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि GDP की जो ग्रोथ है 2019 एंड 20 में 4.2% है, जो कि 11 ईयर से, लास्ट पिछले ईयर से बात की है, लास्ट 11 ईयर से ये बिलो है, जबकि ये होना चाहिए 6.1%, बट कितनी हुई है 4.2%। कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है उसकी वजह से भी कम हो सकती है ना। जो ग्रोथ है इन पर कैपिटा इनकम रियल टर्म में वो कितनी हुई है, 3.1% हुई है 2019 एंड 20 में, जबकि 4.8% था 2018 और 19 में। तो ग्रोथ पर कैपिटा इनकम भी डिक्रीज कर गई है। डेफिसिट की बात करें तो ये वाइडेंट हुई है 4.59% जो GDP है 2019 एंड 20 के। नाउ पब्लिक डेट टू GDP की बात करें तो ये इंक्रीज कर गई है, लाइकली टू इंक्रीज कर गई है, हाई जो हाई है 89.3% 2020 में। अब इसके जो रीजन थे, क्योंकि जो पब्लिक स्पेंडिंग थी वो इंक्रीज कर गई है इन रिस्पॉन्स टू COVID-19 के कारण। फिर उसके बाद जो टैक्स और रेवेन्यू है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये भी फॉल हुई है, तो जिसकी वजह से जो डेप्थ है वो इंक्रीज कर गया है। अब देखते हैं कौन कौन से जो शेप होते हैं इकोनॉमिक रिकवरी के, उसकी बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज वी टर्म आता है, फिर यू टर्म आता है, फिर जेड टर्म जिसको बोला जाता है, फिर डब्ल्यू टर्म आता है और एल टर्म आता है। वी टर्म की बात करें तो वी जैसे ऐसे शेप बनता है, तो यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो रिकवर कर जाती है, बट जो एक्टिविटी है इकोनॉमी की ये परमानेंटली लॉस हो जाती है। यहाँ पर क्या है, टाइम और GDP का बढ़िया। यू शेप में क्या होता है कि जो इकोनॉमिक है वी शेप के कंपेरिजन में यू शेप का स्लो ग्रोथ होता है। उसके बाद आता है जेट जिसको स्विच भी बोला जा सकता है। यहाँ पर रिकवरी जो होता है ये लॉन्गर होती है देन द वी शेप, और लेकिन जो यू शेप है उससे फास्टर होती है जेट टर्म में। तो जेट बेसिकली ऐसे बनता है, तो आप ये समझ जाइए कि जो यू टर्म, जो नीचे वाला ऐसे यू टर्म आता है उससे फास्टर होगी और वी टर्म से स्लोवर होगी। उसके बाद क्या आती है डब्ल्यू पे, यहाँ पे स्पेंडिंग सर्ज जो फ्यूल्स होते हैं जीडीपी के एवव होते हैं प्री क्राइसिस लेवल से। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज क्या बोलते हैं, सॉरी ये स्विस की थी, उसके बाद ये डब्ल्यू जेड होती है। जेड में स्पेंडिंग सर्व जो GDP जो होती है ये प्री क्राइसिस लेवल से एवव होती है। फिर उसके बाद डब्ल्यू आती है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं बहुत जल्दी ही इसको लिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है। GDP जो है ये सफ़र करती है एज मोर केसेस, जैसे कि पैरालाइज्ड इकोनॉमी के भी। फिर उसके बाद एल आता है, यहाँ पे एल शेप पे क्या होता है जिसकी डाउन की तरफ जाता है ना, तो एल शेप में जो रिकवरी है इकोनॉमी की वो नहीं हो पाती। अब देखो प्रायर टू COVID-19 की बात करें तो जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से, इकोनॉमी पहले आता है फिर रिकवरी हो रही है, तो रिकवरी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सर्विस में हो रही है। अब इंडस्ट्री को कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जिनको अभी भी रिकवर करने के लिए बैठे, से ट्रेवल इंडस्ट्री हो गई, इंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड फूड सर्विस। नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज ए पीएम केयर फंड। अब ये पीएम केयर फंड न्यूज, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है
जो कि ट्रांसफर करना था पीएम केयर फंड की मनी को नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। अब इसमें न्यूज में और भी चीजें देखी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सर्टर की ऑब्लिगेशन बनाए हैं प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड के रिगार्डिंग। ये क्या है कि इन्होंने रिफ्यूज कर दिया है कि वो डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे फंड को फ्रॉम पीएम केयर फंड से एनडीआरएफ टीम, क्योंकि ये जो होता है ये बोला गया है कि पीएम केयर फंड और एनडीआरएफ जो होते हैं ये दो सेपरेट एंटिटीज हैं। एनडीआरएफ जो होता है ये स्टैट्यूटरी फंड है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया है। पीएम केयर फंड जो होता है ये कोई भी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रिसीव करता है और कोई भी जो सी है ये इसके को ऑडिट नहीं करता है। दो इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल जो है ये प्रोहिबिट कर सकते हैं कि उनको कंट्रीब्यूशन करना है पीएम केयर फंड में, क्योंकि ये वॉलंटरी होता है। साथ ही साथ रिजेक्ट कर दिया गया है नीड फॉर द फर्स्ट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को कि वो टैकल कर सके कोविड-19 का जो पैंडेमिक है उसको टैकल करने के लिए। नाउ हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि जो पीएम केयर फंड है और एनडीआरएफ है उसमें डिफरेंस क्या क्या है। पीएम केयर फंड के जो फॉर्मेशन हुआ था 2020 में ये कोविड-19 के आउटब्रेक में इसको फॉर्म किया गया था, जबकि जो एनडीआरएफ है ये नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड को रिनेम कर दिया गया था नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड आफ्टर जो इनैक्टमेंट हुआ था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का। पीएम केयर फंड का जो ऑब्जेक्टिव है कि वो सपोर्ट करना जो भी रिलीफ है और असिस्टेंस करना किसी भी काइंड में, साथ ही साथ क्रिएट करना और अपग्रेड करना हेल्थ केयर को और फार्माकिटिकल फैसिलिटीज को। फिर साथ ही साथ पीएम केयर फंड जो है कि ये रेंडर करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस, प्रोवाइड करेगा ग्रांट ऑफ पेमेंट। वहीं एनडीआरएफ का क्या ऑब्जेक्टिव है कि ये मीट करेगा जो भी एक्सपेंसेस है, अगर मान लो कोई इमरजेंसी आती है उस रिस्पॉन्स में रिलीफ और रिहेबिलिटेट करेगा ड्यू टू एनी थ्री डिजास्टर सिचुएशन और कोई भी डिजास्टर आता है। सप्लीमेंट करना स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड को, अगर मान लो कि डिजास्टर जो होता है वो सिविल नेचर में होता है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। तो पी केयर फंड में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं पीएम केयर फंड के, और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो होते हैं ये, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी होते हैं इस फंड के। चेयरपर्सन जो होते हैं बोर्ड बोर्ड के ट्रस्टी, इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं और इनके पास पावर होते हैं कि वो नॉमिनेट करें ट्रस्टी को। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इमिनेंट पर्सन होंगे इन द फील्ड ऑफ हेल्थ रिसर्च, साइंस, सोशल वर्क, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलेंथ्रोपी। और कोई भी जो पर्सन है अपॉइंट किया जा सकता है ट्रस्टी में, उनको एज ए प्रो बोनो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। अब एनडीआरएफ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज किया जा सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉपरेशन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, माइनॉरिटीज, रिलीफ एक्टिविटीज और कैलामिटीज होते हैं जो कि ड्रॉट के साथ, हेल स्टॉर्म के साथ, पेस्ट अटैक जो होते हैं, कोल्ड वेव, फर्स्ट वाइल्ड जो होते हैं, नेचुरल कैलामिटीज मॉनिटर की जाती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के थ्रू। पीएम केयर फंड की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कंसिस्ट करती है इंटायरली वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, और ये एग्जेम्प्ट करती है टीसीआरए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिलीफ फंड होता है उसके अंडर ये एक्सेप्ट करती है। तो ये एक्सेप्ट कर सकती है डोनेशन और कंट्रीब्यूशन जो होता है इंडिविजुअल और कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द फॉरेन कंट्री। भाई एनडीआरएफ की बात करें तो ये लेवी होती है सेस और सर्टन आइटम, चार्जेबल होती है एक्साइज और कस्टम ड्यूटी से, अप्रूव की जाती है एनुअली थ्रू जो फाइनेंशियल है उसके थ्रू ये एनुअली अप्रूव की जाती है। ऑडिट की बात करें पीएम केयर फंड जो होता है ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर के थ्रू ऑडिट किया जाता है जो कि ट्रस्टी वो अपॉइंट करते हैं, और एनडीआरएफ जो है इनको सीएजी दैट इज ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अकाउंट को ऑडिट करते हैं। ये था डिफरेंस पीएम केयर फंड और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो फंड था। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो डायरेक्ट टैक्स जो होता है जहाँ पर उसको कहा जाता है जहाँ पे इंसिडेंस और इम्पैक्ट जो होता है टैक्सेशन का
वो फॉल होता है सेम एंट्री पे। सिंपल वर्ड में बात करें तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहाँ पर कोई भी जो पर्सन है वो पे करता है, जो भी अथॉरिटी है उस पर टैक्स इम्पोज कर रही है तो डायरेक्टली उसको पे करना। ये टर्म जो होता है एज ए प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, क्योंकि ये प्रोपोगेशन जो होता है टैक्स लाइबिलिटीज का वो राइज कर जाता है एज ए इंडिविजुअल और एंटिटी इनकम अगर इंक्रीज करती है। अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल उनकी इनकम इंक्रीज करती है तो टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव हो जाता है। ये वेरियस टाइप का होता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हो गया, सिक्योरिटी टैक्सेशन टैक्स होता है, फ्रिंग बेनिफिट टैक्स और वेल्थ टैक्स होता है। अब बात करते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें रिफॉर्म की क्यों नहीं है। द फर्स्ट वन इज रेशनलाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन जो होता है इनकम टैक्स स्ट्रक्चर का, ये रिविजिट किया गया है, रिवाइज किया गया है टैक्स रेट के। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है सिंप्लीफाई करना कॉर्पोरेट टैक्स को, जो रेट स्ट्रक्चर है, फेस आउट एक्सेप्शन जो है यहाँ पे, अगर लॉस हो रहा है रेवेन्यू का ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ एक्सेप्शन के कारण। उसके बाद वाइडेंट टैक्स बेस होता है जो कि रिवाइज किया जाता है टैक्स को, तो करता है कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है डायरेक्ट टैक्स। रिड्यूसिंग टैक्स लिटिगेशन, ये एड्रेस किया जाता है टेंडेंसी ऑफ टैक्स ऑफिशियल इनिशिएट करेंगे एक्शन विदाउट द नेसेसरी और जो असेसमेंट होता है। टेक्नोलॉजी इंक्लूजन की भी नीड है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की इम्प्रूव करें, टैक्स कलेक्शन एज वेल एज एड इन द टैक्स पे, क्रिएटिंग बेटर सिंक्रोनस ग्लोबल इकोनॉमी बाई ग्रेजुअली करना डिफरेंट जो होता है फॉरेन एंड डोमेस्टिक कंपनी कंट्री। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम है डायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग। द फर्स्ट वन इज ए पर्सनल इनकम टैक्स, ये फाइनेंस एक्ट हुआ था 2020 में, प्रोवाइड करता है ऑप्शन किसी भी इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव को पे कर सकते हैं इनकम टैक्स जो होता है कंसेशनल रेट पे अगर वो नहीं अवेयर है स्पेसिफाई एक्सेप्शन और इंसेंटिव। फिर उसके बाद अब होता है एबोलिशन ऑफ डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जैसे जो डी अगर मान लो कि जो अट्रैक्टिवनेस है इंडियन इक्विटी मार्केट को उसके करने के लिए और रिलीफ जो है लार्ज क्लास इन्वेस्टर को उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, ये यहाँ जिनको नहीं रिक्वायर है कि उनको पे करना होगा डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो विवाद से विश्वास ये प्रोवाइड करता है रेजुलेशन पेंडिंग टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ना ही केवल बेनिफिट करेगा गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट को तो बेनिफिट करेगा टाइमली जनरेट करके रेवेन्यू, बट ऑल्सो जो टैक्स पेयर है उसको ब्रिंग डाउन करेगा, काउंटिंग कॉस्ट को ब्रिंग डाउन करेगा। फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन आता है कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स फॉर द स्टार्टअप, स्टार्टअप जो होता है ये प्रोवाइड किया गया है सोशल टैक्स एनवायरमेंट जो करते हैं एक्सेप्शन जो होता है एंगल टैक्स कॉन्स्टिट्यूशन डेडिकेटेड होता है स्टार्टअप एक्सेट्रा। नाउ वी टॉक अबाउट द राइजिंग मॉनिटरी लिमिट जो होता है फिलिंग ऑफ द अपील, इफेक्टिवली रिड्यूस करेगा टैक्स पेयर के जो एक्सपेंस है, लिटिगेशन मॉनिटरी थ्रेशोल्ड है जो कि पिकअप करेगा ये जो 20 लाख टू 50 लाख अपील जो है बिफोर द इनकम टैक्स अपील एप्लीकेशन, 50 लाख टू 1 करोड़ जो होता है अपील जाएगी बिफोर द हाई कोर्ट, 1 करोड़ से 2 करोड़ अगर होता है ठीक है इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये था डायरेक्ट टैक्स के बारे में। देन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट रिसेंट एफोर्ट जो कि फॉर्म डायरेक्ट टैक्स अरेंजमेंट फॉर्म के लिए आए हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो थैंक यू।